क्वेश्चन है, सरलतम रूप में लिखिए, सरलतम रूप में लिखिए। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, एक व्यंजक दे दिया जाता है और कहा जाता है कि सरलतम रूप में लिखिए। ये व्यंजक है टेन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स बाई कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स, और जहां माइनस पाई बाई फोर इज लेस देन एक्स इज लेस देन थ्री पाई बाई फोर, इस शर्त के अंतर्गत इसको सरलतम रूप में लाना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको सरल करते हैं। आपको दिया गया व्यंजक है, नोट कर लेते पहले, टेन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब बच्चों हमारा उद्देश्य क्या है, ये जो अंदर की जो व्यंजक है उसको टेन के रूप में लाएं। तो टेन के रूप में कैसे लाया जा सकता है ये हमको सोचना है। तो यदि हम इसको कॉस से डिवाइड कर दें अंश और हर में, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, और हर में भी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। बच्चों चाहे तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स ऑफ वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स। इसको लिखा जा सकता है बच्चों, टेन के रूप में इसको लिखना है, टेन इनवर्स ऑफ वन जो है लिखा जा सकता है, टेन पाई बाई फोर का मान वन होता है तो वन की जगह हम टेन पाई बाई फोर लिख दीजिए, माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस, यहाँ भी अरेंज कर दीजिए वन इंटू टेन एक्स मान लीजिए, तो वन को टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं, तो टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स। तो ये हो जाएगा बच्चों टेन इनवर्स आप, ये टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ये फार्मूला है टेन ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए पाई बाई फोर है और बी एक्स है, तो टेन ए माइनस बी का फार्मूला लग गया। तो ये हो गया आपका टेन इनवर्स ऑफ टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, तो टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये हो गया आपका पाई बाई फोर माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, ये इसका सरलतम रूप, ये हमारा आंसर होगा। अब ये साइड में आप फार्मूला भी लिख दें, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाया आपने, टेन ए माइनस बी का फार्मूला लगाया, सेंस करके लिख दीजिए, टेन ऑफ ए माइनस टेन ऑफ बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपने फार्मूला अप्लाई किया, टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अप्लाई किया। अब यहाँ पर बच्चों आप ये जो शर्त दिया है इसकी हम जांच करते हैं, शर्त की जांच। अब इसके लिए क्या है, देखिए टेन इनवर्स फंक्शन है, तो टेन इनवर्स फलन का रेंज आपको जानना है, इसका रेंज ये ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है, ये ध्यान दीजिए। इसका मतलब ये जो आउटपुट जो मिला है, इसका जो आउटपुट मिला है वो इसके अंतर्गत आना चाहिए, देयरफॉर माइनस पाई बाई टू इज लेस देन पाई बाई फोर माइनस एक्स इज लेस देन पाई बाई टू। अब इसको एक्स यहाँ से निकालना है, तो चलिए पहले पाई बाई फोर हटाते बच्चों, तो पाई बाई फोर हटाने के लिए पाई बाई फोर घटाना पड़ेगा, माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर, यहाँ बच जाएगा माइनस एक्स, यहाँ पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर। ठीक है, सरल कर लेते इसको, तो कितना हो गया, माइनस थ्री पाई बाई फोर हो जाएगा, इसको लघुत्तम लेकर के हल करेंगे, माइनस एक्स, और ये हो जाएगा आपका पाई बाई फोर हो जाएगा, माइनस पाई बाई फोर हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर पाई बाई फोर हो जाएगा। अब आपको एक्स निकालना है, तो एक्स निकालना है तो सबको माइनस इंटू कर दो, तो माइनस इंटू करने पर असमीका चेंज हो जाता है, तो थ्री पाई बाई फोर इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन
माइनस पाई बाई फोर, या इसको हम लिख सकते हैं या माइनस पाई बाई फोर इज लेस देन एक्स इज लेस देन थ्री पाई बाई फोर, जो सत्य है। यहाँ पर ये लिखा है जो सत्य है। तो इस प्रकार से हम शर्त की भी जांच कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बच्चों इसी श्रृंखला में एक और सवाल लेते हैं। सरलतम रूप में लिखिए, क्वेश्चन है सरलतम रूप में लिखिए। ये है क्वेश्चन, टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हम उचित प्रतिस्थापन करेंगे। तो क्या उचित प्रतिस्थापन है, देखिए यहाँ पर क्या रखा जाए। तो हम यहाँ पर उचित प्रतिस्थापन के रूप में त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर x की जगह पर a साइन थीटा या a cos थीटा रखते हैं। अब यही सेलेक्ट करना है कि a cos थीटा रखें या a साइन थीटा रखें, दोनों रख सकते हैं, लेकिन उचित और क्या होगा, a साइन थीटा चूँकि टेन इनवर्स है तो हमको टेन के रूप में लाना है तो ऊपर साइन होना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर a साइन थीटा रखते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा। ठीक है बच्चों, देयरफॉर ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, देयर एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। अब हम टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स माने ए साइन थीटा अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। इसको सरल करते हैं तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा, और बाई इसको सरल कीजिए ए स्क्वायर कॉमन लीजिए, ए बाहर से आ जाए बाहर आ जाएगा रूट से बाहर यानी ए हो जाएगा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा। इस प्रकार से ए कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा। तो देयर एम्प्लाइज इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमको ध्यान रखना है ये जो शर्त दिया है, ये देखिए यहाँ तक तो ठीक है, इसका मान साइन इनवर्स एक्स बाई ए होगा, ये आंसर होगा, लेकिन हम यहाँ पर जो शर्त है उसकी यदि जांच करना चाहें तो हम देख सकते हैं। चलिए शर्त की जांच करते हैं। इसके लिए फलन हमारा टेन इनवर्स का है, तो टेन इनवर्स का रेंज क्या है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू इन ओपन इंटरवल। ठीक है, टेन इनवर्स फलन का जो रेंज है वो है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो देयर फॉर माइनस पाई बाई टू इज लेस देन क्या है जवाब, साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज लेस देन पाई बाई टू। इसको सरलतम रूप में ले आइए, टेकिंग साइन, तो साइन ले लेते हैं साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू इज लेस देन साइन ऑफ साइन इनवर्स, ये हट जाएगा एक्स बाई ए हो जाएगा, और ये साइन पाई बाई टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा। अब ये साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई बाई टू तो माइनस वन हो जाएगा, इज लेस देन एक्स बाई ए इज लेस देन साइन नाइन्टी वन। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए, और देयर फोर कहा जा सकता है कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, जो कि सत्य है। तो इस प्रकार से बच्चों हम दिए गए शर्तों की भी जांच कर सकते हैं।